हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो आज का एग्जाम था 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का, वो हो चुका है और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ाता हूं, यहां पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पर सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन कलेक्ट करने का। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बच्चों से कनेक्ट करने की और बहुत सारे क्वेश्चंस में मिल भी गए हैं। और मैथ की और साइंस की रीजनिंग की अलग अलग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बस शेयर करते रहिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था सीईओ ऑफ एप्पल। तो देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, पैटर्न जो आपका एएलपी टेक्नीशियन का था उसमें ज्यादा चेंज नहीं है। मान लीजिए आप 80-90% पैटर्न आपका, मतलब पेपर नहीं बोल रहा हूँ, पैटर्न बोल रहा हूँ, वो ही रहा है जो आपका एएलपी टेक्नीशियन में रहा था। कहीं ना कहीं उससे ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे सीईओ और इनसे देखिए एनालिसिस का मतलब होता है, जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा उन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और उनसे के रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। जैसे सीईओ की बात की जाए तो सीईओ की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसको लीजिएगा और मैक्सिमम सीईओ जो इंपॉर्टेंट है वो सारे पढ़ के जाइएगा। तो एप्पल का जो सीईओ यहां पे पूछा गया वो हो जाएगा टिम कुक, तो सभी को पता है। एक यहां पे पूछा गया था रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, तो मुकेश अंबानी है, सभी बच्चे को पता है इसका आंसर है, ठीक है। बेस्ट लिविंग सिटी इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में कौन हो जाएगा, वेना। और आपका इंडिया की बेस्ट अगर पूछी जाती है सिटी तो वो हो जाएगी पुणे, ठीक है। पुणे इज द राइट आंसर अगर इंडिया की पूछी जाती है। नेक्स्ट है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म लॉन्च, तो वुमेन जो एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल के साथ में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब आप नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन, हिमायत प्रोग्राम रिलेटेड विच स्टेट। तो अभी ये हिमायत प्रोग्राम जो चलाया गया था जम्मू कश्मीर में, तो आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एक नोबेल अवार्ड 2017 लिटरेचर में किसको मिला है, तो इसी गौर को मिला है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नोबेल पीस प्राइज 2017 किसको मिला है, तो आई कैन को ये मिला है, ठीक है। सीएम ऑफ, देखिए सीएम से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सीएम और गवर्नर एक बार, और गवर्नर जो नए अभी साथ चेंज हुए हैं उनको ध्यान में रखिएगा, पुराने वाले याद मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीएम ऑफ त्रिपुरा पूछा गया था, तो बिप्लब कुमार देब हो जाएगा राइट आंसर। पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जापान के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अभी देखिए जापान और जो आसपास की कंट्रीज हैं इनके तो जरूर याद कर लीजिएगा, और जिस जिस कंट्री में मोदी जी विजिट कर रहे हैं अभी उन सभी कंट्रीज के भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, शिंजो आबे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक है आपका सागर माला प्रोजेक्ट रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड है, तो ये आपका न्यू मेगा पोर्ट्स बनाने का और एक मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो आपके पोर्ट्स हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वहाँ पे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो ये है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है और मैं अपनी टेस्ट सीरीज में इसको कई बार कवर करा चुका हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथाइल आइसोसाइनेट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 से क्वेश्चन था, एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पता है, तो अभी यहाँ पे अगर मुझे मिलता है तो नेक्स्ट जो वीडियोस आती रहेगी पूरा दिन वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा पूरा दिन, ठीक है। तो कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को तो जरूर ऑन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया, तो ये अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा, और इस टाइप के भी कई क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो जो सिटी के मतलब सिटी के दो निक नेम होते हैं वो आप याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग नेम से जो जाने जाते हैं। एक था आपका प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, तो ये हो जाएगा निकोलस मेडोरो, कुछ ये नाम है इसका, तो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट आपका कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल पूछी गई थी, तो हो जाएगा एमस्टरडम इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका सबसे भारी ग्रह यहाँ पे पूछा गया था, तो बृहस्पति इज द राइट आंसर, यानी कि जुपिटर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये शायद क्वेश्चन पूछा गया कि बेस्ट लिविंग सिटी इन इंडिया, तो ये पुणे हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे एक पूछा गया था कि 100वीं जो 100th स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो 100वीं स्मार्ट सिटी थी वो कौन सी थी, शिलोंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और एक क्वेश्चन था कि इंडिया अभी कौन सी मतलब नंबर की इकोनॉमी बन गई है लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इसने किसको पीछे हटाया है, इंडिया की इकोनॉमी किससे आगे निकली है, फ्रांस से, ठीक है, यानी क्या फ्रांस सेवन्थ नंबर पे पहुंच गया और इंडिया जो है वो सिक्स्थ नंबर पे आ गया, ठीक है। और आपका नेक्स्ट था आपका मैन बुकर प्राइज ऑफ 2018, ओल्गा इज द राइट आंसर, ठीक है। एक तो होता है मैन बुकर प्राइज, एक होता है बुकर प्राइज, तो इन चीज़ों में इनमें डिफरेंस रखिएगा, कभी आप मतलब एक दूसरा के जगह आप आंसर लगा दें। तो एक था आपका गवर्नर ऑफ बिहार, तो ये हो जाएगा लालजी टंडन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पहले थे सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर थे बिहार के, वो अब जम्मू कश्मीर के बन गए हैं, ठीक है। एक था क्लीनेस्ट यानी कि सबसे साफ सुथरा स्टेशन इंडिया का कौन सा है, तो वो जोधपुर का हो जाएगा। एक आपका पीएम ऑफ पाकिस्तान शायद पूछा गया था, अब आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। तो पाकिस्तान का पीएम सभी को पता है इमरान खान बने हैं अभी, और प्रेसिडेंट कौन है, आसिफ अली जारीदारी शायद इनका नाम है। और एक था आपका स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो स्पोर्ट मिनिस्टर सभी को पता होगा, देखिए एक मिनिस्ट्री जितनी भी है आपकी, मेन मेन सारे के सारे रट लीजिए, सीईओ सारे रट लीजिए, कैपिटल आपको पता होनी चाहिए इंडिया के हर एक स्टेट की, और आपको गवर्नर और सीएम भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे जो फोर एवर है, जो आपके जितना भी दिन एग्जाम चलेगा वो आने ही आने हैं, ठीक है। और आसपास की कंट्री है जो जितनी भी इंडिया की, तो उनकी जो कैपिटल है, उनकी कैपिटल, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके गवर्नर, सॉरी गवर्नर बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट, वो याद आपके होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है हमारे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है। एक था आपका लेफ्ट हैंड डेज, तो ये आपका 13 अगस्त हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड डे आपका 13 अगस्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया था। सीएम ऑफ उड़ीसा, देखिए सीएम दो सीएम आ चुके हैं शायद, ये अलग अलग आपके स्टेट में और अलग अलग रीजन में पूछे गए हों, तो ये हो जाएगा नवीन पटनायक इज द राइट आंसर, ठीक है। हुमेन राइट डे आपका 10 दिसंबर को होता है, 10 दिसंबर को होता है, ये भी आपका पूछा गया था। नेशनल वोटर डे आपका 25 जनवरी को होता है। देखिए मेन सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेन आपको पता है, और शायद मैंने आपको कवर करा रखे हैं सारे, बीच में तो कराए रखे, एक वीडियो सेपरेट भी मैंने इसकी अपलोड कर रखी है, अगर आपको मिल जाए, वो अभी नीचे शायद पहुंच गई होगी बहुत, तो आप देख लीजिएगा उसको ढूंढ करके, और या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ भी और जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं इस तरीके की, वो सारी मैं वहां पे अपलोड करते रहता हूं। टेलीग्राम का सबसे पहला लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया, तो टेस्ट सीरीज का भी मैंने आपके लिए एक प्रावधान किया हुआ है, जिसमें ₹120 की टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो एक बार ट्राई मार लीजिएगा, ₹120 की टेस्ट सीरीज है, वो मेरी नहीं है, वो दूसरी कंपनी की है, बस मैं आपके लिए लिंक दे रहा हूँ, उसमें आपको एक कोड भरना है डिस्काउंट लेने के लिए, डिस्काउंट कोड है SOURABH, ठीक है, नीचे मैंने लिख रखा है सब कुछ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा एक त्रिभुज का निशान होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे CEO ऑफ सैमसंग, तो सैमसंग के CEO भी पूछे गए, किम की नाम इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका था। वर्ल्ड बर्ड डे, तो ये 13 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2019 कहाँ पे होगा, ये फ्रांस में होगा, ये आपका पूछा गया था। वो बाय फ्लिपकार्ट 70% ओनरशिप, तो ये कौन सा हो जाएगा, वॉलमार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वॉलमार्ट ने क्या खरीदा है, फ्लिपकार्ट की 70% ओनरशिप खरीद ली है, तो ये आपका क्वेश्चन आया था। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, लिवर हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर था एक था केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन, तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या फॉर्मूला होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या होता है, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक देखिए पीरियोडिक टेबल से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी जितने मुझे मिलेंगे, वो सारे मैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट में और वीडियोस अपलोड करके बता दूंगा। अभी एक क्वेश्चन पता चला है, एटोमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो 7 होता है, ये आपका क्वेश्चन था। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड यहाँ पे पूछा गया, तो 7.35 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो साइंस और करंट अफेयर के मुझे मिले थे। अभी रीजनिंग के मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हैं, बट एक ये चैप्टर का आइडिया मिल गया है कि अभी भी आपका जो ALP टेक्निशियन में बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टेटमेंट एजम्पशन से, तो अभी भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट एजम्पशन से पूछे जा रहे हैं, 5 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। फिर इस लॉगिज्म की अगर बात की जाए, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं,
एनालॉगी से भी आपके 2 से 3 नोट कर लीजिए इन सारे चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो तब भी आप रीजनिंग में स्कोर कर लेंगे। और स्कोर आपका करना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे 30 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है ना, यानी कि 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग आने वाली है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप 30 मार्क्स में से 30 लेके आए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट और सबसे ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, एनालॉगी से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन है, एग्जैक्ट में क्वेश्चन की लेंथ नहीं पता चल रही है कि कितने कितने क्वेश्चन है। हाँ, एजम्पशन से स्टेटमेंट, एजम्पशन से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, क्योंकि जितने बच्चों से बात हुई हर एक बच्चे ने बात बताई है कि 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं स्टेटमेंट एजम्पशन से। जैसे मैं आपके लिए पहले भी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, 15 वीडियो का मैंने क्रैश कोर्स आपके लिए अपलोड कर रखा है। 15 वीडियो भी अगर आप देख लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का 100% आपका 25 मार्क्स तो लेके आ सकते हैं 100%, अगर अभी भी आप वो 15 वीडियोस देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, रीजनिंग का यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला है, डायरेक्शन से, क्लोक से, वाटर इमेज, मिरर इमेज से भी क्वेश्चन है, ओड वन आउट से भी है, क्लासिफिकेशन से भी है। ठीक है, सीरीज भी आपकी पूछी गई है। ठीक है, सीरीज आपकी न्यूमेरिकल भी और अल्फाबेटिकल भी और आपकी इमेज वाली सीरीज भी। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के थे, 1-2 क्वेश्चन मुझे मिला है। ठीक है, रीजनिंग का वैसे अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और एक दोस्त और भी लगाया है मैंने अपने साथ में कलेक्ट करने के लिए, तो हम कलेक्ट करने के बाद में मैं आपको पूरा एनालिसिस देने वाला हूँ हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था 2, 5, 9, 14, 20 और 27 इस तरीके से लिखा था, आपको मिसिंग नंबर यहाँ पे बताना था कि यहाँ पे 14 जो है सीरीज में जो मैंने निकाला है तो यहाँ पे क्या आना था। तो यहाँ पे +3, +4, +5, +6, +7 चल रहा था, यानी कि आपका +5 करेंगे तो 14 बन जाएगा। एक आपका एनालॉगी से क्वेश्चन था कि 18, 52 और आपका 12 और नेक्स्ट क्या आएगा, तो 18 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और -2 कर देंगे तो आपका 52 हो जाएगा। वैसे आपको 12 में 3 की मल्टीप्लाई करने और -2 करना है तो 34 बन जाएगा, तो आपका यहाँ पे 34 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, कनेक्ट रहिएगा एक एक मिनट की खबर लेने के लिए और हर एक चीज़ का अपडेट लेने के लिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसको दबाने के बाद में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को मत भूलिएगा, बेल आइकन अगर ऑन नहीं होती है तो आपके पास नहीं जाता है, आपका सब्सक्राइब करना बेकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ बात कर लेते हैं मैथ के चैप्टर की। मैथ का मुझे अभी तक क्वेश्चंस 1-2 मिले थे, तो मैंने सोचा आपको सारे कलेक्ट करके एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैथ की, तो मैथ की वीडियो देखने के लिए जरूर जुड़े रहिएगा। मैथ की वीडियो अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा, 1.5 घंटे में। ठीक है, तो मैथ के चैप्टर बता देते हैं, टाइम एंड वर्क, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, टाइम डिस्टेंस और आपका परसेंटेज और पाइप एंड सिस्टम, ये कुछ चैप्टर पता चले हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं, तो इन चैप्टर को तो बिल्कुल ध्यान में रखिए और आगे मैं सारे बताने वाला हूँ, आगे भी जितने चैप्टर्स में मुझे पता चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियोस आपको बना के देता रहूं, और पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है सबसे पहला ही, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिएगा, आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं वीडियो बना के डालूं और आप ना देखें तो फिर उसमें कोई इतना मजा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर करिएगा, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।